ये नुस्खा सिर्फ 4 दिन दूध या फिर पानी में मिलाकर ले लें। नसों के रोग, नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आजकल बहुत सारे लोगों को नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड गाढ़ा हो रहा है जिससे नसें कमजोर हो जाती हैं और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आज हम आपको एक घरेलू नुस्खा बताएंगे, इस नुस्खे से ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसके साथ ही ये नुस्खा जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, थकान और कमजोरी की समस्या को ठीक कर देता है। इसे लेने से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा असरदार है। चलिए अब आपको बताते हैं ये नुस्खा बनाना कैसे है और लेना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस नुस्खे के लिए सबसे पहले लेंगे अलसी के बीज, जो नसों की कमजोरी बिल्कुल ठीक कर देते हैं और नसों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देते हैं। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो अलसी इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर देती है। इसके अलावा अगर आपको चमड़ी की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है। यहाँ हम लेंगे 4 चम्मच अलसी के बीज। अब अगली जो चीज लेनी है वो है दालचीनी। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हार्ट को तंदुरुस्त रखती है और हमारी बॉडी में जमी हुई एक्स्ट्रा फैट भी कम करती है, जिससे वजन तेजी से कम होता है। दालचीनी वात और कफ नाशक होती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, खांसी, जुकाम और बलगम की प्रॉब्लम कम कर देती है। यहाँ हम लेंगे 1/2 चम्मच दालचीनी। अब तीसरी जो चीज लेनी है वो है मगज। ये बीज हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये हमारी नसों को मजबूत करते हैं, बंद नसें खोल देते हैं। यहाँ हम लेंगे 4 चम्मच मगज। अब अगली जो चीज लेनी है वो है काली मिर्च। काली मिर्च खांसी, जुकाम और वायरल बुखार ठीक करती है, बंद नसें खोल देती है। इसके अलावा पेट के रोग भी ठीक करती है। यहाँ हम लेंगे 10 से 12 काली मिर्च। अब अगली जो चीज लेनी है वो है अखरोट। अखरोट हमारे दिमाग और नसों को मजबूत करता है, इसके साथ ही जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द को भी ठीक करता है। अगर आपके जोड़ों में ग्रीस की कमी हो गई है, ये उसे पूरी कर देता है। यहाँ हम लेंगे 4 से 5 अखरोट। अब अगली जो चीज लेनी है वो है तेज पत्ता। तेज पत्ता जोड़ों के दर्द और साइटिका के दर्द में बहुत फायदेमंद है। इसे लेने से नसें मजबूत होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। यहाँ हम लेंगे 4 तेज पत्ते। अब इन सारी चीजों को पीस कर पाउडर बना लें। अब आपको बताते हैं इस पाउडर को लेना कैसे है। इसके लिए 1 गिलास दूध लें, फिर उसमें 1 चम्मच इस पाउडर का मिला लें। अगर आपको दूध पसंद नहीं तो आप इसे पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। इस दूध को मीठा बनाने के लिए आप मिश्री या फिर गुड़ मिला सकते हैं। इस दूध को रात को सोने से पहले या मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। इस दूध को पीने से आपकी नसों की हर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। उम्मीद है ये आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।